Hello viewers, welcome to your channel forever concept classes. As in this video, we will discuss question paper of MC05 of June 2020 exam which was held in September 2020 and it was delayed because of Corona. So let's start question paper. एंड गाइस वन मोर थिंग मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि हिंदी में भी आ, हिंदी में भी अवेलेबल करवा दीजिए देखिए गाइस ये जो क्वेश्चन पेपर है जो पहले वीडियो के अंदर मैं पहले इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन पेपर है पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद जब आप देखोगे वीडियो के लास्ट में हिंदी के हिंदी में हिंदी में भी है ये क्वेश्चन पेपर ठीक है सो so, मैं दोनों चीजें यहाँ पर अपलोड किया हुआ है ठीक है सो आप लोग अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग सुन लीजिए बिकॉज मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ वो दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में भी होता है एंड इंग्लिश में भी होता है सो so, आपके लिए हिंदी के लिए भी एक्सप्लेन हो रहा है वो एंड क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी के मीडियम के एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वो आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा ठीक है अगर आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो आप लोग स्किप कर सकते हो लास्ट में सो so लास्ट में जो है वो वीडियो के लास्ट में मैंने हिंदी का क्वेश्चन पेपर ही चलेगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सो अरे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वाज वट यू अंडरस्टैंड बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन बिजनेस कंसर्न अच्छा देखिए देखिएगा ये जो सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन अब काफी स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल आते हैं या थ्योरी आता है सो so इन्हीं डाउट्स को कवर करने के लिए ये जो आपके डाउट्स हैं ना काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट करते हैं फेसबुक ग्रुप पे जो जो है वहाँ पे भी काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं कि जो प्रैक्टिकल जो है जो सब्जेक्ट है इसके कौन किस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं सो so आप लोगों की इन्हीं क्वारीस को सॉल्व करने के लिए ही मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर्स की ही वीडियोस अपलोड की हुई है आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पे जाओगे तो इससे पहले जून 2020 से पहले के जितने एग्जाम्स हुए हैं उसकी वीडियोस में ऑलरेडी अपने आप लोगों के लिए मैंने हर सब्जेक्ट की अपलोड कर दी है वीडियो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो वहाँ पे एमसी जीरो फाइव के नाम से है प्लेलिस्ट वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं ये इसीलिए है सो so दैट आप लोगों को एग्जाम्स के जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता लगे कि हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है सब्जेक्ट सुब, वाइज कैसे कैसे हमने प्रिपेयर करना है जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम में आने के लिए और कौन कौन से थ्योरी के होते हैं एक्सपेक्टेड होते हैं इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड बाकी आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ वीडियोज भी अपलोड कर रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट्स की मैंने ऑलरेडी कर दी हैं एम सी जीरो फाइव फिर कुछ लेक्चर अपलोड किए हुए हैं कैश फ्लो के मैंने टॉपिक अपना जो था कैश फ्लो के एक्सप्लेनेशन जो कंसेप्ट के मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बट काफ़ी स्टूडेंट्स का अभी उस हिसाब से रिस्पॉस आया नहीं तो मैंने अभी जो वीडियोज़ है वो होल्ड पे रखी हुई है आप लोगों के कमेंट्स आएंगे अगर आप लोग बोलोगे लो तो मैं आप लोगों के लिए फर्दर जो वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूँ आप उससे पहले आप लोग देख सकते हो मैंने कैश फ्लो का जो कंसेप्ट है विथ फुल कंसेप्ट फुल लॉजिक्स मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे जो डायरेक्ट मैथड हो इंडरेक्ट मैथड है उनके लॉजिक्स क्या है कैसे फॉर्मूला वो जो मैथड्स से वो जो बने इंड मैथड का जो फॉर्मेट है वो कैसे बना है उसकी पूरी डेरिवेशन दी है मैंने ठीक है तो आप लोग वीडियो के अंदर देखना अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग बताना मैं देन मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा आप लोगों के लिए और वीडियो के ऊपर उन टॉपिक्स के ऊपर कंटिन्यू करूँगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं सो तो अगर देखिए दिस फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेरेटिव स्टेटमेंट टू मैनेजमेंट हाउ आर दी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर ये आप लोगों ने प्लस टू में बनाया था कम्पेरेटिव स्टेटमेंट जैसे हम बनाते हैं ठीक है सो तो कैसे बनाना जैसे हमने एक परफॉर्मर बना के उनको दिखाना है ठीक है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स की वो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है सो इंपॉर्टेंस इज फॉर एट मार्क्स ठीक है और कैसे प्रिपेयर करते हैं तो वो दैट इज फॉर ट्वेल्व मार्क्स बहुत ईजीजस्ट फॉर्मेट बना के हमने दिखाना था बहुत ईजी पेपर रहेगा इसकी ठीक है सब्जेक्ट बहुत इजी है बट स्कोरिंग सब्जेक्ट है ठीक है अगर आप इसको पढ़ लोगे तो फुल मार्क्स में आने के फुल चांसेस हैं नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए बी लिमिटेड ठीक है ये आपको कैश ट्रांजेक्शन गिवन है पेमेंट टू सप्लायर पेमेंट ऑफ सैलरी एक्सपेक्टर इनकम टैक्स डिविडेंड पेड रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन तो यहाँ पर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है अगर बहुत इजी क्वेश्चन है मैंने जब इसको सॉल्व करके देखा तो मैं तो हैरान हो गया कितना इजी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है सो काइंड ऑफ ये तो सोइंड गिफ्ट टाइप हो जाता है क्वेश्चन इस टाइप के अगर आते हैं so आप सॉल्व करना अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा so आप लोग बताना मैं इसको क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सोल्व करूंगा उसको अपलोड करेंगे ठीक है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लोगों को इसकी वीडियो चाहिए होगी तो ठीक है आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन पेपर था ये क्वेश्चन आया हुआ है कैश फ्लो का ठीक है चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर the following figures are available from the sales and cost and cost forecast of Messers XY limited for the year ending 31st december 2017 at 50% capacity utilization, 50 percent capacity utilization per information given 50 percent capacity for 5,000 units ke jo production, karte Fixed expenses remain constant for all the levels of production and sales, selling price between 50% and 75%. कैपेसिटी uh, जो होती है फिफ्टी सेवेंटी फाइव परसेंट की तो ट्वेंटी फाइव पर यूनिट के हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसिवेन अनचेंज एट फिफ्टी परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट कैपेसिटी, बट विल इंक्रीज बाई टेन परसेंट बिटवीन सिक्सटी फाइव टू 80% परसेंट एंड बाई थर्टी परसेंट बिटवीन एट्टी टू हंड्रेड परसेंट एट नाइनटी परसेंट लेवल मटीरियल कॉस्ट इंक्रीज बाई फाइव परसेंट एंड सेलिंग रिड्यूज बाई फाइव परसेंट At 100% both material and labour cost increase by 10% and selling prices reduced by 8%. Semi variable expenses are 50,000, fixed expenses are 58,000. सो so गाइज ये अच्छा क्वेश्चन था ठीक पे, है वेरिएबल बेल मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिव रखा हमने यहाँ पे प्रिपेयर प्रॉफिट फॉर का स्टेटमेंट हमने बनानी है थ्रू फ्लेक्सिबल बजट इसका टॉपिक है फ्लेक्सिबल बजट का सिक्सटी परसेंट पे सेवेंटी फाइव परसेंट कैपेसिटी पे नाइनटी परसेंट कपैसिटी बन हंड्रेड परसेंट कैपैसि पर हम लोगों ने यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो बनानी है ठीक है सो आप लोग करना इसके ट्राई नहीं होगा तो आप लोग कमेंट्स में बताना आप लोगों के लिए डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए वीडियोज अपलोड जरूर करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव Explain the term budgetary control and mention some of its advantage. On what does the success of such control depend? Very, very, very important topic, guys. ये मैंने already videos के अंदर भी बोला हुआ है इस type के question जो है बहुत important होते हैं ठीक है Budgetary control देखो पूरे chapter की ही बात हो रही है यहाँ पे है ना Budgetary control आपको already topic given है ना तो इसके theory जो है पूरे chapter की theory बन रही है कि budgetary control क्या होता है इसकी importance क्या है ठीक है बहुत अच्छा question है and very important. Next is also very important. What is meant by standard cost?

मंथ अगस्त मंथ का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का दे रखा है आउटपुट दे रखा है प्राइम कॉस्ट गिवन है हमें वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड गिवन है फिक्स्ड ओवरहेड प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट ऑन द ऑफ मार्जिन कॉस्टिंग वेरी इजी कॉस्ट स्टेटमेंट हमने बनानी है यहां पे ठीक है एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ ए बी लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ट्रेडिशनल फॉर्म एज वेल एज इन कंट्रीब्यूशन फॉर्म सो गाइस देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है आप लोग देखोगे इनको क्वेश्चंस को बहुत ईजी आप करना इनको ट्राई करना जरा देखना यू स्टडी मटेरियल के अंदर भी आपको बहुत अच्छे दिए हुए हैं क्वेश्चन ठीक है आप लोग वहाँ से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो किसी में डाउट होगा कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा आप लोग कमेंट्स कर सकते हो या मेरा फेसबुक में जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है मैंने उसका लिंक भी यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँ आप लोग वहां पर ज्वाइन करके वहां पर भी आप लोग अपनी क्वारी जो पोस्ट कर सकते हो ठीक है सो डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा नेक्स्ट वन इज वट इज ब्रेक यूर डिस्कस द डिस्कस दूस एंड लिमिटेशन ऑफ दिस टेक्निक सो वट इज ब्रेक इवन एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक एनालिसिस क्या होता है ठीक है ये भी आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों ने बीकॉम में बीकॉम के अंदर ये पढ़ा हुआ है राइट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है ठीक है इवन इकोनॉमिक्स के अंदर भी आता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट तो वही सब कुछ है यहाँ पर भी हमने उसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है ठीक है सो गाइस दिया था हमारा क्वेश्चन पेपर और चलिए अब हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन पेपर की आप लोग स्क्रीन शॉट वीडियो को पोस्ट करके आप लोग स्क्रीन ले सकते हो ठीक है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज सेकेंड क्वेश्चन चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे सी थर्ड क्वेश्चन गैस अगर वीडियो अच्छी लगी अगर आप लोगों का एफर्ट मेरा अच्छा है, अगर आप लोगों की हेल्प कुछ हो रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना उससे हमें पता लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को कुछ मेरी वीडियोस बनाने से बेनिफिट हो रहा है और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सो so दैट आप लोगों के लिए मैं और अच्छी अच्छे और जो लॉजिक फुल ऑफ लॉजिक्स जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए लेके आऊँ ठीक है चलिए देख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन दिस इज फोर्थ क्वेश्चन उनका एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए आपके बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे पास एग्जाम्स के लिए ठीक है आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आता है कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट्स कीजिए और मैं डेफिनेटली टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो अपलोड हम जरूर करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए दिस इज फिफ्थ सिक्स्थ चलिए दिस इज एट क्वेश्चन एंड द लास्ट इज नाइन्थ वन ओके दिस एर्ट्थ सेकंड पार्ट बी पार्ट एंड ये हमारा नाइन्थ क्वेश्चन आ गया ओके गाइज चलिए के लिए एग्जाम्स के प्रेपरेशन के लिए अच्छे से थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय